इंडियन स्टार्स एंड वेलकम बैक टू आकाश अग्रवाल क्लासेस द मोस्ट ट्रस्टेड गाइड, जहां पे आपको सीएमए के सारे रिलेटेड थिंग्स मिलेंगे. एंड यस, द साइड प्रोफेसर निकिता ओसवाल. टुडे वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द 10 टॉप टेक्निक्स, जहां पे हम लोग देखेंगे कि हाउ यू हैव टू स्टडी सीएमए फाउंडेशन के मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को. यस, ये सब्जेक्ट सीएमए फाउंडेशन का आपका रहता है पेपर नंबर फोर रहेगा, जो रहता है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. और जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं, जो रहता है तुम्हारा 30 मार्क्स के लिए, जहां पे 15 क्वेश्चंस आते हैं तुम लोगों को बस मैनेजमेंट के लिए. तो यही बच्चे बहुत ज्यादा कंटाला करते हैं. तो यस, टुडे वी आर गोइंग टू सी द 10 टॉप टेक्निक्स, जहां पे हम लोग बहुत इजी से स्कोर कर सकते हैं हमारा ये 30 मार्क्स. सो सबसे पहला जो तुम्हारा टेक्निक रहता है, दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कंप्लीट सिलेबस. तुमको जानना चाहिए कि मैनेजमेंट का सिलेबस कहां पे, जहां पे तुमको पता है कि अपने को कितने यूनिट्स है. भाई साहब 7 यूनिट्स है, वी आर हैविंग 7 यूनिट्स. दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. अब ये सिलेबस को तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंट्रोडक्शन देख लो कि क्या है मैनेजमेंट बेसिकली ऑल अबाउट. फिर तुम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट सेक्शंस, एंड देन उसको तुम लोग अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स. कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, पहले उनको करेंगे फॉर एग्जाम प्रिपरेशन. राइट, तो ये है तुम्हारा फर्स्ट टेक्निक, जहां पे तुम लोगों को पहले तुम्हारा सिलेबस देखना पड़ेगा. उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, सेकेंड इज क्रिएटिंग स्टडी स्केड्यूल. अब क्या होता ना, बहुत बच्चे, मैंने वापस से सबसे पहले बोला था, मैनेजमेंट को बहुत करते हैं इग्नोर. और ये हमारे प्यारे प्यारे एसी के बच्चे बिल्कुल भी अभी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए 10 टेक्निक्स. राइट, सो सेकेंड है क्रिएटिंग स्टडी स्केड्यूल, जहां पे इंपॉर्टेंस देखना चाहिए तुम लोगों ने. बस आज कर लिया, फिर कल वापस से कंटाला किया, परसों कर लिया, फिर वापस से कंटाला किया, चलेगा नहीं. यू हैव टू बी कंप्लीटली कंसिस्टेंट. और मैनेजमेंट के लिए पूरे दिन में 1 घंटा तो निकालो, जहां पे तुम लोग पहले सही तरीके से पढ़ाई कर सके, और फिर डेली बेसिस पे तुम लोग क्या कर सकते हो, रिविजन करने का काम कर सकते हो. क्योंकि रिविजन करना आप लोगों के लिए आधे घंटे से ज्यादा टाइम का नहीं रहेगा, तो आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा पूरे टाइम पे पढ़ाई में. उसके बाद एक सही तरीके वाला स्केड्यूल बनाना पड़ेगा. फिर यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, आपको बैलेंस करना चाहिए. राइट, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, फोन पे बैठना है, नहीं, उसके लिए एक अलग से टाइम आप लोगों को निकालना पड़ेगा आप लोगों के लिए. फिर ये था हमारा सेकेंड. थर्ड हम लोग जाएंगे इफेक्टिव नोट मेकिंग. बेटे जब आप स्टार्टिंग में ही पढ़ना चालू कर देते हो ना, ट्राई टू मेक श्योर कि आप लोग क्या करें, चीजों को हाईलाइट करें. जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के अंदर डेफिनेशंस जो रहते हैं ना सबके, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. बराबर है कि नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू कीप इन योर माइंड. स्टार्टिंग में तुम लोग उनको हाईलाइट करके लिख लो, या फिर उसके नोट्स बनाना चालू करो कि भाई ये चैप्टर में इतने डेफिनेशंस हैं, कौन से डेफिनेशंस किसने लिखे हुए हैं, सो दैट तुम लोग क्या कर सकते हो, उसको बाद में रिवाइज करने का काम आराम से कर सकते हो. बराबर है कि नहीं है, आई होप दिस इज क्लियर. इतना तक तो आप लोगों को क्लियर है ही है ये. फिर हम लोग आगे जाएंगे, दैट इज टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव नोट्स मेकिंग. जैसे मैंने बोला है, एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड रिव्यूइंग बेटर कॉम्प्रीहेंशंस. एक बार में तुम लोगों ने हाईलाइट किए, नेक्स्ट टाइम तुम लोग क्या कर रहे हो, लिखने का काम कर रहे हो. बराबर, तो अलग अलग नोट मेकिंग टेक्निक्स तुम लोगों को करना पड़ेंगे. थ्योरी सब्जेक्ट है ना, तो तुम लोगों को इसी तरीके से लर्न करना पड़ेगा. राइट, फिर आया हमारा फोर्थ स्टेप, दैट इज आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग. थ्योरी सब्जेक्ट है, मेरे को नहीं याद रहता. डोंट हैव टू वरी, एक्टिव रिकॉल करना चाहिए तुम लोगों ने. मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई साहब क्या करो, तुम लोग डेफिनेशंस को रिकॉर्ड कर लो. रिकॉर्ड करके किसी टाइम पे अगर तुम बोर होते रहेंगे तो बस हेडफोन्स लगा लो और रिकॉर्ड किया हुआ सुनने का काम करो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा. या तो फिर ओरल्स लो, या तो फिर क्या करने का, अभी रिविजन करने का, फिर वापस से तुरंत बिना देखे एक बार से रिकैप करने का काम करने का. तो इसके वजह से कंसिस्टेंटली तुम करेंगे तो तुम लोगों को आराम से सही तरीके से रिकॉल होने का काम होएगा. दैट इज डेफिनेशन, सारे इंपॉर्टेंस एक्टिव रिकॉल होने चाहिए तुम लोगों को. इनकॉर्पोरेटिंग रिकॉल विद स्टडी रूटीन. मतलब क्या है, पढ़ाई तो अलग करनी ही करनी है, उसी के साथ साथ रिविजन के लिए भी आप लोगों को अलग से क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा.
तो ये तुम्हारे टेक्निक्स है जहां पे मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को एक्टिव टेक्निक्स बोल दिए है कि रिकॉर्ड कर लो और फिर सुनने का काम करो, या फिर घर पे मॉम डैड बहन भाई जो भी रहेंगे उनको क्या करने का काम करो, रिवाइज रिविजन दे दो उन लोगों को, ओरल दे दो उन लोगों को। तुम बोलेंगे मैम मैनेजमेंट में क्या ओरल देना है, बेटा जब तुम सिलेबस को समझेंगे तो तुम लोग क्या कर पाएंगे, सही तरीके से ओरल देने का काम कर सकते हो, जहाँ पे डेफिनेशन आते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आते हैं, तो बहुत मजेदार चीजें रहती है, राइट। एंड नेक्स्ट लेट्स गो, नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब सेम वही चीज की कंसिस्टेंटली तुम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे अब तुम लोगों को पता है सीएमए फाउंडेशन जो है आप लोगों का पेपर वो ओएमआर शीट पे तुम लोगों को देना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम ओएमआर शीट पे सही तरीके से क्या करो, सॉल्व करने का काम करो ओएमआर शीट पे, सो दैट तुम लोगों को एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, राइट। बराबर है कि नहीं है? तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड मास्टरिंग कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके बाद इफेक्टिव प्रैक्टिस सेशंस करने पड़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले तो तुम लोगों ने थ्योरी पूरा कर लिया है, तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पूरा समझ लिया है, अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, तुम लोग क्या करने का काम करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो ये तुम्हारे स्ट्रेटजीज रहने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशंस रखने पड़ेंगे तुम लोगों को, बराबर है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारी जो सिक्स्थ टेक्निक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन, समझना भी है, सिर्फ रट्टा मार के ध्यान में रख के चलेगा नहीं। मैनेजमेंट एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है ना उसको बच्चे बहुत ज्यादा बुरा बना देते हैं, बस ये बोल के कि नहीं हो रहा है हमसे, ऐसे कैसे नहीं हो रहा है तुम लोगों से, यू हैव टू डू इट, अगर करेंगे तो होगा। थ्योरी सब्जेक्ट है, बोर होता है, नींद आती है, बहुत 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 कुछ होता है, बट करेंगे तो होगा, ट्रस्ट मी करेंगे तो होगा, एंड दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन एसी इज विद यू पीपल, राइट। अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, उसको मेमोराइज करने की ट्रिक रख सकते हो, बराबर है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन। सेवेंथ टेक्निक जो हमारी नेक्स्ट आने वाली है दैट इज यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। इंटरनली मेरे बहुत बच्चों को पता है, मैं बहुत बच्चों को वही बोलती रहती हूँ, मेड बी फाउंडेशन, मेड बी इंटर, मेड बी आगे का कोर्स, बहुत सारे अलग अलग जो भी कोर्स रहेंगे, यू हैव टू यूज द फ्लैश कार्ड्स। स्टिकी नोट्स जो आते हैं ना तुम्हारे, वो तुमको यूज करना है, जहां पे तुम लोग जब पढ़ते रहेंगे अलग 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 एग्जाम्पल्स रहेंगे वो तुम लोग लिख सकते हो फ्लैश कार्ड्स पे, तुम्हारे कोई मेमोरी ट्रिक रहेंगी वो तुम लोग लिख सकते हो फ्लैश कार्ड्स पे, सो दैट तुम लोगों को एग्जाम पॉइंट के टाइम पे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी रिकॉल होएगा। तुम लोगों को फ्लैश कार्ड्स बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है, बिकॉज इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर क्विक रिविजन। क्रिएटिंग फास्ट फ्लैश कार्ड्स विल बी वेरी 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 इफेक्टिवली, ट्रस्ट मी। आज आप जब ये वीडियो देखेंगे आप ट्राई करेंगे और डेफिनेटली आप मेरे को बहुत जल्दी बोलेंगे कि मैम येस दिस वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटिंग फ्लैश कार्ड्स इन टू स्टडी सेशंस। फिर आया हमारा एट वाला थिंग, दैट इज द थिंग विच यू नीड एक्चुअली, बट आप लोग बहुत 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 जल्दी जल्दी वाले लेते हो। ब्रेक्स लेने चाहिए तुम लोगों ने, लेकिन ब्रेक सही तरीके से लेने चाहिए। तुम्हारी 7 से 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई भी उतनी सही तरीके से होनी चाहिए। तो देयर शुड बी ब्रेक सेशन ड्यूरिंग योर स्टडीज वाला थिंग, एंड यू कैन रिफ्रेश योर सेल्फ। तुम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रेश फील करवा सकते हो, और अगेन यू कैन सेट फॉर स्टडिंग, राइट। रेकमेंड स्टडी ब्रेक रेशो फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी, एंड लास्ट है एक्टिविटीज टू रिफ्रेश ड्यूरिंग ब्रेक्स, दैट इज तुम गाने सुनो, बराबर है कि नहीं है, तुम किसी से बात कर लो, तुमको जैसे भी जो भी फ्रेश फील हो वो चीज कर लो, बराबर। तो ये है तुम्हारा टेकिंग ब्रेक्स। नेक्स्ट तुम्हारा जो 9 टेक्निक है दैट इज यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। अब उसके लिए तुम भले तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लो, तुम्हारे टीचर से बात कर लो, तुम्हारे फ्रेंड से बात कर लो, बराबर है कि नहीं है, बट यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। कहीं पे भी तुम लोगों को नेगेटिव माइंडसेट से नहीं चलना है कि नहीं हो रहा है, यू जस्ट हैव टू बी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। जहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनाओ, अलग अलग चीजें सुनो, अलग अलग बातें देखो, सो दैट अगर अब तुम मोटिवेटेड रहेंगे तो कहीं फ्यूचर में जाके तुम लोगों को बहुत जल्दी तुम्हारा सीएमए का टैग तुम्हारे नाम के आगे रहेगा, जो हर एक बच्चे का सपना है। फिर शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स तुम लोगों को समझना पड़ेगा, बराबर। एंड नेक्स्ट है रिवॉर्डिंग योरसेल्फ फॉर अकम्प्लिशमेंट एंड माइलस्टोन्स। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज स्टे कनेक्टेड विद AAC, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने बोला हुआ है दैट AAC इज इक्वल टू CMA।
बराबर। तो ये हमारा प्यारा प्यारा टैग दिया हुआ है हमारे प्यारे प्यारे सीएमए के बच्चों की तरफ से। तो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद अस, जहां पे आप लोगों को पता रहेगा। ऑलरेडी हम लोग एक रिपीटर्स बैच तो चला ही रहे हैं, हमारे बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं हम लोग सीएमए के अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे इनपुट्स देने के लिए, प्लस रेगुलर कोर्स करवाने के लिए हमारे रिपीटर्स बैच को। उसी के साथ साथ आप लोगों को हमारे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, जहां पे हम लोग बहुत 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 सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। एंड दिस थिंग्स विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स, जो आप लोग बहुत जल्दी देने वाले हो। बराबर है कि नहीं है? आई नो बहुत जल्दी एग्जाम्स नजदीक आने वाले हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ एक चीज करना है, दैट इज आपको कनेक्टेड रहना है एसी से, जहां पे आप लोगों को ढेर 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 सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स को लेके, टेस्ट सीरीज को लेके, एंड बहुत सारी चीजों को लेके। प्लस 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 अगर 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 और जानकारी चाहिए रहेंगी तो आप लोगों को हमारा आकाश अग्रवाल क्लासेस का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके लेना है, जो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में अभी आप लोगों को ये वीडियो के नीचे मिलेगा। सो डू डाउनलोड दी आकाश अग्रवाल क्लासेस एप्लीकेशन ऑल्सो, जहां पे आप लोगों को बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, सरप्राइजेस मिलने वाले और बहुत सारे वीडियोज भी आने वाले हैं। प्लस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, सो डू लाइक डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर दिस एंड डू Remember, the main thing that is question and answers का तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम लोगों को स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, जो हमारे एसी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलने वाला है खास, राइट? एंड यस, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एकदम जम के लड़के हम लोगों को पढ़ाई करनी है, एंड ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि एसी इज इक्वल टू सीएमएस। सो स्टे अपडेटेड टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम एसी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।